नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। आज हम बात शाहरुख खान की करने जा रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान पर तगड़ा एक्शन लिया गया है। खबर आ रही है कि शाहरुख खान को मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने रोक लिया। इस दौरान उनकी तलाशी ली गई तो जांच टीम को कई ऐसे सामान उनके पास बरामद हुए जिससे शाहरुख खान पर जुर्माना थोकने तक की नौबत आ गई। शाहरुख खान पर अचानक एक्शन से उनके फैंस को बड़ा झटका लगा है, लेकिन अब सबके मन में एक सवाल है कि शाहरुख खान पर अचानक क्यों एक्शन लिया गया। इस रिपोर्ट में जानिए। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान और उनकी टीम को मुंबई एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। शाहरुख खान और उनकी मैनेजर पूजा ददलानी और अभिनेता के बॉडीगार्ड रवि सिंह शारजाह बुक फेयर में भाग लेने के लिए मुंबई वापस लौट रहे थे। इसके बाद खबर आई कि अभिनेता और उनकी टीम को कस्टम विभाग के अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर रोक लिया, क्योंकि उनके पास महंगी घड़ियां थी जो कि वो यूएई से लेकर आए थे। इसके बाद एयरपोर्ट पर उनसे कस्टम ड्यूटी भरवाई गई, लेकिन जब ये खबर तेजी से फैली तो उनके फैंस के होश उड़ गए। सबके मन में एक सवाल आने लगा कि आखिर क्यों शाहरुख खान पर ये कार्रवाई की गई। वहीं इस पूरे एक्शन पर कस्टम विभाग के अधिकारियों का बयान भी सामने आया है। कस्टम अधिकारियों ने खुलासा किया है कि अभिनेता और उनकी टीम से कोई फाइन नहीं लिया गया, केवल बेसिक औपचारिकताएं पूरी करवाई गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि शाहरुख खान और उनकी टीम से केवल वहां से लाए गए सामान की कस्टम ड्यूटी का भुगतान करने के लिए कहा गया था। उनसे किसी प्रकार का कोई जुर्माना नहीं वसूला गया। आखिर पूरा मामला क्या है तो ये भी विस्तार से बता देते हैं। दरअसल शाहरुख खान संयुक्त अरब अमीरात से मुंबई लौट रहे थे। दुबई में आयोजित शारजा बुक फेयर कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अभिनेता शाहरुख खान अपने प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से मुंबई पहुंचे। एयरपोर्ट के T3 टर्मिनल पर रात करीब 12:30 बजे जांच के दौरान अभिनेता के सामान में करीब 18 लाख रुपए की कीमती घड़ियां पाई गई। कस्टम विभाग ने जब इन घड़ियों के बारे में पूछा तो पता चला कि अभिनेता ने इन घड़ियों को भारत लाने के लिए कोई कस्टम ड्यूटी नहीं चुकाई है, जिसके बाद कस्टम विभाग ने उन्हें वहां रोक लिया और बाकी सामान की भी तलाशी ली गई और उनसे शुल्क भरवाया गया, जिसके काफी देर बाद शाहरुख खान को छोड़ा गया। तो शाहरुख खान पर कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि वो अरब से महंगी घड़ियां लेकर मुंबई वापस लौट रहे थे और अभिनेता ने इन घड़ियों को भारत लाने के लिए कोई कस्टम ड्यूटी नहीं चुकाई है, जिसके बाद उन्हें तुरंत रोका गया, उन पर जुर्माना ठोका गया और तलाशी के बाद उन्हें हालांकि छोड़ दिया गया है। लेकिन जैसे ही शाहरुख खान पर एक्शन की खबर फैली वैसे ही उनके फैंस परेशान हो गए। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।